मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों में मसाजिद, ईदगाहों और खुले मकामात पर नमाज ईद के इज्तमात, मुल्क की सलामती, सहकाम और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ ने लाहौर, ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट, यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान, अली अमीन गंडापुर ने डी आई खान में नमाज ईद अदा की। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। लोगों ने गले शिकवे दूर कर दिए। नमाज ईद के बाद एक दूसरे से बगलगीर, ईद की मुबारकबाद, मुस्कुराहटों के तबादले। मीठी ईद मीठे के बगैर अधूरी, घर घर शीर खोरमे की महक, सवैयों, खीर, कस्टर्ड की तैयारी, मिठाई की दुकानों पर भी रश, प्यारों के लिए लजीज मिठाइयाँ और केक की खरीदारी, मेहमानों की तवाज़ो के लिए मज़े मज़े के पकवान भी बनने लगे। और ईद तो बच्चों की होती है, बच्चा पार्टी की फरमाइशी, ट्रेन स्पीड पकड़ गए, करारे करारे नोटों की ईदी वसूली पर चेहरे निहाल, रकम खर्च करने की प्लानिंग भी फाइनल, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, चाट के दौर चलेंगे, झूले झूल कर मज़ा दुबाला कर लिया, शाम को तफरी गाहों में जाने की भी जिद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।